Hello students, myself Navneet Bhandari and I welcome you to my channel Quantum Academy of Physics. तो 10th class के अब तक 6 videos मैं release कर चुका हूँ electricity chapter की. कुछ delay जरूर हो गया है 7th video के आने में, मतलब जो आज मैं बना रहा हूँ आपको जो मिलने वाली video. But anyways, I hope कि आपने honestly बाकी 6 lectures अच्छे से देख लिए होंगे. अब तक जहाँ तक मुझे याद है कि हमने resistors in series parallel रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R इज इक्वल टू रो एल बाई ए ओम्स ला ये अच्छे से ड्राइव कर लिया था और हम एनसीईआरटी के कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे थे और कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे. और लास्ट में आपको मैंने ये भी बताया था आखिरी वीडियो के कि सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन में फर्क क्या है और पैरेलल कनेक्शन हमारे घरों में जो लगा हुआ है वो बेटर क्यों है सीरीज कनेक्शन से. तो आज वाली वीडियो में मैं कुछ न्यूमेरिकल्स उठाऊंगा बच्चों एनसीईआरटी के, एक एक न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन तो पहले भी कई बार आ चुके हैं बोर्ड एग्जाम में. तो एक बार सामने देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे. हाउ कैन वी कनेक्ट रेजिस्टेंसेस 2 ओम 3 ओम एंड 6 ओम सच दैट वी कैन गेट द टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम एंड 1 ओम. मतलब कुछ ऐसा आपको दे दिया गया बच्चों, मैं थोड़ा सा आपको और एलोबरेट कर देता हूँ. तीन रजिस्टर्स आपको दे दिए बच्चों यहाँ पर ऐसे अलग अलग, ठीक है. पहला कितना है 2 ओम, दूसरा है 3 ओम, तीसरा है 6 ओम. आपसे यह पूछा गया कि मैं इनको कैसे कनेक्ट करूं कि मुझे नेट रेजिस्टेंस 4 ओम मिल जाए. अब आपको यह देखना है कि इनमें से कौन सा सीरीज कौन सा पैरेलल कैसे जोड़ा जाए. तो एक बार यहां पर हिट एंड ट्रायल मतलब लॉजिक्स लगाकर देखते हैं. अगर मैं कुछ ऐसा करूं बच्चों, मैं भी आपकी तरह पहले इसको ट्राई करता हूं, ठीक है. हम ये मान के चलते कि हमको इसका आंसर ही नहीं पता. देखो एक को सीरीज में जोड़ दिया, दो को पैरेलल में ऐसे, मतलब इस तरह से मैंने सेटअप लगाया, क्लियर. यहां पर ले लिया मैंने 3 ओम का रेजिस्टेंस, यहां पर ले लिया 6 ओम का और यहां पर ले लिया मैंने बच्चों 2 ओम का. तो अब इसको सोल्व करके देखते हैं कि क्या इसको सोल्व करके 4 ओम मिल रहे हैं, क्लियर. तो देखो ये दोनों पैरेलल में, पहले इसको सोल्व करते हैं. सोल्व करने का तरीका क्या है, 1/R1 + 1/R2, दिस इज हाउ वी कैन सोल्व रेजिस्टर्स इन पैरेलल इक्वल्स टू 1/R, ऐसे लिख दिया मैंने. तो 1/3 + 1/6 = 1/R, इनका एलसीएम क्या आएगा बच्चों, इसका एलसीएम आएगा 6. तो ये 2 + 1 = 1/RP, तो ये हो जाएगा बच्चों 3/6 = 1/RP. तो यानी कि जब रेसिप्रोकल करूंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा आरपी की वैल्यू, 2 ओम. यानी कि जब मैं इसको सोल्व करूंगा, सोल्व करके मुझे कितनी वैल्यू मिली बच्चों यहाँ पर, 2 ओम. अब ये 2 ओम और ये जो 2 ओम सोल्व करके आए दोनों आपस में जाके सीरीज में, तो जो नेट रेजिस्टेंस है आपको क्या मिल रहा है बच्चों, 2 ओम + 2 ओम. सीरीज में कैसे डायरेक्टली जोड़ देते हैं हम, तो इस कॉम्बिनेशन को क्या 4 ओम मैंने बना दिया. तो यानी कि अगर मैं 2 ओम को सीरीज में रखूं इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ तो मुझे नेट रेजिस्टेंस कितना मिल जाएगा बच्चों, 4 ओम. तो मुझे यही लिखना है, इफ वी कनेक्ट 2 ओम रेजिस्टेंस इन सीरीज विद द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 एंड 6 ओम, वी विल गेट द 4 ओम रेजिस्टेंस. दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व. बिल्कुल इजी क्वेश्चन था. चलो ये आपने नोट डाउन करना है बच्चों, उसको नोट डाउन कर लो. अब अगला कॉम्बिनेशन जो है, मतलब अगले रेजिस्टेंस के लिए कॉम्बिनेशन बनाते हैं. इन तीनों को मैं कैसे जोड़ू कि मुझे 1 ओम रेजिस्टेंस मिल जाए. 1 ओम देखो बहुत कम रेजिस्टेंस है. अब आपको मैंने शायद लास्ट वीडियो में ये भी बताया था कि अगर हम मिनिमम रेजिस्टेंस चाहते हैं तो हम रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में जोड़ना पसंद करेंगे, जिससे क्या वैल्यू कम आ जाए. तो अगर मैं तीनों को पैरेलल में लूं बच्चों, मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर रहा हूं, देखो तीनों को पैरेलल में जोड़ दो इस तरह से, इस तरह से हमने पैरेलल में जोड़ दिया, क्लियर है. तो ये हो गया 2 ओम, ये हो गया 3 ओम और ये हो गया बच्चों 6 ओम. दिस इज ए, दिस इज बी, ये दो एंड बना दिए, क्लियर. अब पैरेलल का मतलब क्या हो गया, 1/2 + 1/3 + 1/6, दिस इज 1/RP. एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चों, 6 आ गया. इसके लिए क्या हो जाएगा 3, इसके लिए क्या हो जाएगा 2, इसके लिए 1 = 1/RP. बच्चों जब ऐड करूंगा तो कितना आ रहा है, 6/6 यानी कि 1. तो रेसिप्रोकल कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 1 ओम. तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, इफ वी कनेक्ट ऑल थ्री रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल वी विल गेट द नेट रेजिस्टेंस 1 ओम. ऐसे मैं क्या इस सर्किट को सोल्व कर सकता हूं. एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको इसलिए नोट डाउन कर दो. अब एक और क्वेश्चन बच्चों आपके सामने आपको नजर आ रहा है, ये वाला, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है. आपको बोला गया कि व्हाट इज द हाईएस्ट एंड लो रेजिस्टेंस व्हिच वी कैन गेट बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 रेजिस्टर्स, 4 ओम 8 ओम 12 एंड 24 ओम. इसको मैं अनुवाद कर देता हूं हिंदी में. आपको चार रेजिस्टेंस दे दिए बच्चों, 4, 8, 12 और 24. इनको मैं कैसे जोड़ू कि मुझे हाईएस्ट रेजिस्टेंस मिले
अब आपको पता है कि अगर हाईएस्ट रेजिस्टेंस का बात करूं, हाईएस्ट का मतलब क्या है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस, और वो कब मिल सकता है जब सभी के सभी कैसे जुड़ जाए सीरीज में। तो फॉर ऑब्टेनिंग हाईएस्ट रेजिस्टेंस कनेक्ट ऑल फोर रेजिस्टेंसेज इन सीरीज लाइक दिस, ऐसे इन चारों को क्या सीरीज में जोड़ दो, 4 ओम यहां पर, ये 8 ओम, ये 12 ओम और ये 24। तो जब इनको ऐड करोगे, फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आपको सिखाया गया है R1 + R2 + R3 + R4। तो चारों को ऐड कर दो, इट विल बी 4 + 8 + 12 + 24, यू विल गेट 48 ओम। तो दिस इज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस यू कैन गेट अगर आप इन सभी को कैसे जोड़ दोगे सीरीज में। बच्चों मिनिमम रेजिस्टेंस चाहिए आपको, लोएस्ट रेजिस्टेंस उसके लिए क्या करोगे, इसी सेटअप को मैं रब करके लिख रहा हूँ यहाँ पर, इसको नोट डाउन कर लो साथ साथ बच्चों। अगर आपको मिनिमम रेजिस्टेंस चाहिए लोएस्ट के लिए, लोएस्ट का मतलब क्या है, मिनिमम, मिनिमम के लिए क्या करोगे बेटा, पैरेलल कनेक्शन यूज करोगे। तो पैरेलल के लिए क्या करना है, आपने ऐसे जोड़ दो इनको, ये 4, ये 8, ये 12 और ये 24। ठीक है, पैरेलल को जोड़ने का तरीका क्या होता है बच्चों, 1/RP = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R4। तो जब इसको आप ऐसे ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए 1/4 + 1/8 + 1/12 + 1/24। बेटा एलसीएम कितना आएगा सभी के लिए, अगर मैं 48 लू, 48 LCM, अगर मैं 24 LCM लू तो क्या सभी, हाँ ठीक है, 24 सबके लिए कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 1। अब इनको जोड़ो जरा कितना आ रहा है, 6 3 9 9 3 12। तो बेटा 1/RP की वैल्यू कितनी आ गई, 12/24 जब मैं सोल्व करूँगा तो कितना आ जाएगा, 1/2, यानी कि बेटा जो नेट रेजिस्टेंस है वो कितना आ गया, 24। देखो तो कितना कम आ रहा है, जब इन्हीं रजिस्टर्स को मैं सीरीज में जोड़ रहा था तो मुझे मिल रहा था कितना, 48। जब मैंने पैरेलल में जोड़ा तो कितना हो गया, 2 ओम। और आपको पता है जितना रजिस्टेंस कम होगा उतना सर्किट बहुत बढ़िया होगा, उतना ही करंट क्या स्मूथली फ्लो करेगा। तो दिस इज हाउ यू कैन सोल्व दिस क्वेश्चन, मिनिमम के लिए क्या करना है हमेशा पैरेलल, और मैक्सिमम के लिए क्या करना है बच्चों, हमेशा सीरीज। नोट डाउन करो इसको, फिर और कुछ कंसेप्ट को देखते हैं बच्चों। चलो अब कुछ रजिस्टेंस वाले क्वेश्चन हो करते, कुछ मजेदार क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 1, सपोज हमारे को एक वायर दे रखी है, ठीक है, मुझे ऐसा बोला गया कि इफ, मतलब व्हाट विल बी न्यू रेजिस्टेंस, व्हाट विल बी न्यू रेजिस्टेंस इफ वी मेक लेंथ 1/4 एंड डबल द एरिया ऑफ वायर। यानी कि आपको ऐसा बोला गया कि अगर लेंथ को बच्चों, नई लेंथ को क्या मैं L/4 कर दूं और एरिया को मैं क्या कर दूं, नए एरिया को ट्वाइस कर दूं, तो इसका नेट रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, कैसे करोगे क्वेश्चन को, एक फॉर्मूला आपको मैंने बताया था कि जो रेजिस्टेंस है वो डाइमेंशंस पर डिपेंड करता है। फॉर्मूला क्या लिखवाया था, R = ρL/A। ये फॉर्मूला थर्ड या मे बी फोर्थ लेक्चर में होगा, उसको आप जरूर देखना। तो दिस इज द फॉर्मूला, आपको बताया था कि रो तो कांस्टेंट है, रेजिस्टिविटी है, उसके बारे में भी पूरे डिटेल में बताया था, पूरा लेक्चर ही रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के ऊपर है, वो लेक्चर देखना जरूर। अब नया रेजिस्टेंस क्या होगा, देखें इनिशियली रेजिस्टेंस क्या है, ρL/A, जब तक हमने कुछ भी वायर के साथ छेड़छाड़ नहीं करी। लेकिन जब हमने इसके साथ छेड़छाड़ करी तो रेजिस्टेंस कितना हो गया, रो L' / A', यानी कि L' का मतलब न्यू लेंथ, A' का मतलब न्यू एरिया। तो अगर वैल्यू प्लेस करी जाए, देखो L' की जगह क्या लिखना है, L/4। तो पहले मैं L' की वैल्यू लिख देता हूँ, L/4, यहाँ लिख दिया मैंने A', क्लियर है। इसके बाद मैंने क्या किया, एरिया की वैल्यू लिख दी, A' किसके इक्वल है, 2A के इक्वल। तो बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये रो L/4 तो पहले से ही है, A' की जगह कितना आ जाएगा, 2A, तो इनटू में 2A कर दिया यहाँ पर ऐसे, A' की जगह 2A लगा दिया, नीचे क्या होगा, 4 × 2 = 8, तो ये कितना बन गया बेटा, 1/8, है ना, ये ऐसे लिख दू नीचे 8, ρL/A। ठीक है, अब एक चीज जरा नोटिस करो, पहले रेजिस्टेंस कितना था, ρL/A, अब कितना है, 1/8 ρL/A, यानी कि
जो नया रेजिस्टेंस है इसको अगर मैं आर डैश नाम दे दूं, मैं ऐसे लिख दूं आर डैश इज इक्वल टू 1/8 रो एल बाय ए की वैल्यू क्या है, रो एल बाय ए की वैल्यू है आर, तो मैं लिख दूं आर डैश इज इक्वल टू आर बाय एट, यानी कि 1/8 टाइम्स रहेगा सिर्फ रेजिस्टेंस अगर मैं ये सिचुएशन यहां पर लगा दूं। समझ आया, रेजिस्टेंस कम हो गया और डेफिनेटली कम होना ही है, मैंने एरिया भी बढ़ा दिया और लेंथ भी कम कर दी, क्योंकि आपको पता है जितनी लंबी वायर होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, जितना ज्यादा एरिया होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा, यहाँ लेंथ को आधा कर दिया तो रेजिस्टेंस वहां कम हो गया, एरिया को डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस वहां कम हो गया, कम होकर कितना रह गया 1/8 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल रेजिस्टेंस। इसको भी नोट डाउन कर लो बच्चों, कुछ और क्वेश्चंस पर आ जाए फिर। तो बच्चों अब एक और मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये इस साल 2020 बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया था, ठीक है। क्वेश्चन कुछ ऐसे है, इफ अ पीस ऑफ वायर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, देखो जरा ध्यान से, मैंने क्या किया, एक वायर थी जिसकी लेंथ थी एल, इसका रेजिस्टेंस था आर, इसके 5 इक्वल टुकड़े कर दिए, एक जैसे स्प्रिंग रोल आप काटते हो, 2, 3, 4 और इस तरह से ये 5, ठीक है। अगर पहले लेंथ L थी तो अब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं, तो बेटा ये कितना हो जाएगा, L by 5 आपको पता है रेजिस्टेंस जो है लेंथ की प्रॉपर्टी, ऐसा बोल सकते हो ना कि जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, अगर पूरी वायर का रेजिस्टेंस R था तो यहां पर हर एक वायर के टुकड़े का रेजिस्टेंस कितना होगा, R by 5, क्योंकि जब L था तो रेजिस्टेंस था R, तो L by 5 पर रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, R by 5, लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब ऐसा बोला गया कि इसके 5 टुकड़े कर दिए और इन 5 को हमने जोड़ दिया पैरेलल में, तो बताओ कि नया रेजिस्टेंस पहले वाले रेजिस्टेंस से कितना होगा, बिल्कुल इजी है, देखो 5 रेजिस्टेंस है ना, तो आप ऐसा करो इसको ऐसे एक सर्किट में बना लो, इस तरह से ऐसे 5 रेजिस्टेंस है तो ऐसे लो पैरेलल में, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे जोड़ दिया आपने, सभी रेजिस्टेंस क्या है, R1, R2, R3, R4, R5 सभी की वैल्यू क्या, R/5 पैरेलल में जोड़ दिया। अब पैरेलल के लिए नेट कॉम्बिनेशन निकालना है, तो मैं लिख देता हूं 1/RP किसके इक्वल होगा बच्चों, ये 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R4 + 1/R5 क्लियर। अब इन सबकी वैल्यू तो सेम ही है, देखो क्या कर रहा हूं मैं, 1/R/5 इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5/R, तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ डायरेक्ट, है ना, 1/R/5 को क्या लिखूंगा, 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R कर दिया मैंने ऐसे, इस तरह से जब सबको ऐड करूंगा, देखो 1/R भी किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, इट विल बिकम 25/R, यानी कि बेटा जो आरपी की वैल्यू है वो कितनी आ गई, R/25, यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो 25 गुना कम हो गया। अगर आपसे रेशियो पूछ लिया जाए तो रेशियो भी निकाल सकते हो, यानी कि अब नया रेजिस्टेंस पुराने वाले के कंपैरेटिवली क्या आ गया बेटा, ये 1:25। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन, वायर के 5 टुकड़े करे, 5 को इक्वल लेंथ में हमने डिवाइड करा, पैरेलल में जोड़ दिया, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया और आपको आंसर मिल गया। जल्दी से इसको नोट डाउन करो, फिर और कुछ क्वेश्चंस पर आ रहे हैं बच्चों। तो बच्चों एक और क्वेश्चन है आपके सामने, जैसा आप देख पा रहे हो, आई होप कि आपको विजिबिलिटी क्लियर होगी, मैं स्टेटमेंट रीड कर देता हूं आपके लिए। 9 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस अननोन रजिस्टर एंड करंट ऑफ 2.5 mA फ्लोज इन द सर्किट, फाइंड द वैल्यू ऑफ रजिस्टेंस इन द सर्किट। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, हमेशा जब भी फिजिक्स है वो न्यूमेरिकल करो, तो ये देखो कि गिवन क्या है, सबसे पहले आपको रजिस्टेंस ही निकालना है, तो मैं आर बनाकर ऐसे लिख दूंगा क्वेश्चन मार्क, मुझे नहीं पता, बैटरी की वोल्टेज दे रखी है 9 वोल्ट, वोल्ट क्या होती है, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, तो वी की वैल्यू क्या है बेटा, 9 वोल्ट, करंट दे रखा है आपको 2.5 mA, और बेटा मिली एम्पियर को अगर आप एम्पियर में कन्वर्ट करोगे तो क्या कर दोगे, 2.5 × 10⁻³। क्लियर है, तो इस तरह से क्या मैंने इसको एम्पियर में कन्वर्ट कर दिया यहाँ पर। अब आपसे रेजिस्टेंस पूछा भाई, वी इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर, लास्ट वीडियो में और उससे लास्ट वीडियो में अच्छे से बताया था, ओम्स लॉ, वी इज इक्वल टू आई आर, तो आपको आर निकालना है, आर के लिए क्या कर दोगे बेटा, वी अपॉन में आई,
वी की वैल्यू कितनी है 9, आई की वैल्यू कितनी है 2.5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस, इस माइनस 3 को ऊपर शिफ्ट कर दो तो कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 रेज टू पावर 3, नीचे कितना है बेटा 2.5, ये हटा दो ऊपर चला जाएगा एक और 10, राइट। अब ये सिचुएशन बन गई 9 अपॉन में 25 इंटू 10 रेज टू पावर 4 हो जाएगा, ये 10 रेज टू पावर 3 पहले है और 10 ये यहाँ पर। तो जब मैं इसको सोल्व करूंगा बच्चों, मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, कैलकुलेशन से थोड़ा सा बचते हैं, ठीक है। जो इसका आंसर आएगा आपने कैलकुलेशन नहीं करनी है सिर्फ, हाँ आप इसको खुद से ही सोल्व कर लेना 9/25 इंटू 10 रेज टू पावर, ठीक है, क्योंकि मैं इन वीडियोस पे कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम नहीं खराब करना चाहता। और रेजिस्टेंस निकालना तो याद रहेगा, बस 9/25 को डिवाइड कर लेना, वही आपका आंसर होगा, और इंटू में 10 रेज टू पावर 4 रहने देना, ठीक है। और कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस पर आते हैं बच्चों। तो बच्चों सामने एक और क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। इस वीडियो में मैंने जितने भी एनसीईआरटी के मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहे थे मैंने सारे कवर कर दिए, और मैं आगे भी वीडियोस में वो कवर करता रहूंगा। अब तक का जो भी हमने कंसेप्ट पढ़ा था उसके बेसिस पर ही क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ इस चैप्टर में। इसके बाद जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी आएगा, ठीक है, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी भी आएगा, तो वो सभी हम करेंगे। तो 2 या 3 वीडियोज और लगेगी जिसमें चैप्टर पूरा हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट जरा रीड करो, 9 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड इन सीरीज, एक 9 वोल्ट की बैटरी है जो सीरीज में कनेक्टेड है, कितने रेजिस्टेंस है 0.3 0.4 0.5, ठीक है, और 12 ओम, चार रेजिस्टेंस आपको दे दिए यहाँ पर हमने। और ऐसा पूछ लिया गया आपसे कि जो 12 ओम रेजिस्टर है उसके अक्रॉस कितना करंट फ्लो कर रहा होगा। इस सर्किट को हम डिजाइन करते हैं, पहले देखो टोटल रेजिस्टेंस कितने हैं 1 2 3 4, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ स्टेटमेंट कि क्या हमारे पास चार रेजिस्टेंस ही है, नहीं एक रेजिस्टेंस मिस कर दिया हमने, 0.2 पे आएगा यहाँ पर, 0.2 0.3 0.4 0.5 टोटल 5 है, 1 2 3 4 और 5, हमने 5 रेजिस्टर्स लगा दिए बच्चों, 0.2 0.3 0.4 0.5 और 12, ठीक है, इसको जोड़ दिया ऐसे। और यहाँ पर हमने बैटरी कनेक्ट करी है 9 वोल्ट की बैटरी के लिए, इसलिए मैं 2 सेट यूज कर रहा हूँ यहाँ पर, आपसे पूछा गया है कि 12 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस कितना करंट फ्लो कर रहा होगा। भाई देखो करंट तो सारा का अक्रॉस सेम है, तो अगर मैं टोटल करंट निकाल दूं, है ना, देखो यहाँ पर भी आई यहाँ पर भी आई यहाँ पर भी यहाँ पर भी यहाँ पर भी, सबके अक्रॉस सेम करंट होगा, आपको बताया था सीरीज में करंट सेम रहता है। तो एक काम करो ना, पहले टोटल रेजिस्टेंस निकाल दो, अब यहाँ पर जितने भी रेजिस्टेंसेज है सभी के सभी सीरीज में है, तो फॉर्मूला क्या होगा, R1 R2 R3 R4 R5, सभी को ऐड कर दिया मैंने, जब सभी को ऐड करूंगा तो 0.2 0.3 0.5 12, जब जोड़ूंगा तो मुझे कितना मिलेगा यहाँ पर, तो इट विल बिकम 13.4 ओम, राइट। तो दिस विल बी माय नेट रेजिस्टेंस लाइक दिस। अच्छा टोटल वोल्टेज कितनी है 9 वोल्ट, तो यहाँ पर क्या लगा दूंगा 9 वोल्ट, तो वी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 9 वोल्ट आ गई यहाँ पर, क्लियर। करंट पूछे करंट का फॉर्मूला क्या होता है, वी इज इक्वल टू आई आर, दिस इज द फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अगर मुझे यहाँ पर करंट निकालना है तो करंट के लिए क्या करना पड़ेगा, वी बाय आर कर दूं यहाँ पर ऐसे, तो बेटा करंट आई इज इक्वल टू वी, वी कितना है आपके पास 9 वोल्ट, दिस इज गिवन। रेजिस्टेंस कितना निकाला 13.4, इसको आप ऐड करोगे तो यही मिलेगा आपको, जब इसको डिवाइड करूंगा तो करंट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 0.67 एम्पीयर। तो बच्चों ये क्वेश्चन को इस तरह से आपने करना था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी करवा रहा हूं उसको नोट डाउन करते रहो नोटबुक पे। और सबसे इंपॉर्टेंट अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपका होमवर्क भी है, देखते हैं इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में सबसे पहले आंसर कौन देगा, तो प्लीज इसको नोट डाउन करो जरा। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये आपने कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर देना है, जैसा भी आपको आज क्वेश्चंस कराए गए बिल्कुल वैसे ही करना है। ये भी एक सर्किट आपको नजर आ रहा है जहां पर 4 ओम 8 ओम और 10 ओम ये 3 रेजिस्टर्स है, जिसमें से दिस आर वन एंड दिस आर टू इज इन पैरेलल, और ये वाला जो रजिस्टर है ये है इसके साथ सीरीज में। आपको ये बताना है कि कितना करंट फ्लो कर रहा होगा इस रजिस्टर के अक्रॉस, यानी कि इस आई की वैल्यू आपने बतानी है। बिल्कुल आप इजी इसको इजीली कर सकते हो, अगर आपने लेक्चर अच्छे से देखा है बच्चों। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा जो बच्चे इस चैनल पे नए जुड़ रहे हो पिछली वीडियोस को जरूर देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर वीडियो को आपको लगता है कि ये बहुत आपके लिए हेल्पफुल है तो उसको आप शेयर भी कर सकते हो, ताकि बाकी बच्चों की पढ़ाई का भी कोई नुकसान ना हो इस लॉकडाउन में। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, मैं कमेंट बॉक्स में आपके इस आंसर का वेट करूंगा। बाय बाय।